लंबे समय तो संघर्ष चल रहा है पंजाबी मां बोली नूं लैके, किस तरह देखदे हो हुण तक सुनवाई ना होना की दर्शाउंदा? पत्रकार लिख रहे आ, लेखक लिख रहे आ, अखबारां च छाप रहे आ, बहुत साल धरना हुंदा रहा मटका चौंक च, कोई इहो जिहा कदम सरकारां वल्लों ना ही विद्यक अदारियां वल्लों लिया गया। जद तक साढ़े लोग सचेत नहीं होंगे, जब तक लोग लहर नहीं बनती, जब तक धरनिया ते मापे भी नहीं आते, असी लोगों नू सचेत नहीं कर सके कि मात भाषा का की महत्व है, मात भाषा का की मुल है। साड़िया पोलिटिकल पार्टियां तो सचेत नहीं हुई, कोई पोलिटिकल पार्टी इस गल नू लहर बना के नहीं चलती। किसी पोलिटिकल पार्टी ने काम किया, जब तक लोक लहर नहीं बनूगी तद तक सरकार नहीं छोड़ेगी। हुण ये आवाज़ उठाउण कि जो पंजाबी नू लैके साडियां मंगां ने, वो मंगां भी अपने वो मैनीफेस्टो च शामिल करो। साडे हाकमां नू अपने भविख का तो फिक्र रहिंदा, पर लोगों का भविख, नौजवानों का भविख, भाषावां का भविख, वो आप महसूस करते हैं कि वो उन्होंने कभी फिक्र नहीं होता। असी साढ़े पत्रकार, साढ़े लिखारी, जिन्ना वध तो वध असी लोगों को सचेत कर सकीए, उन्ना ही सरकार इस गल तो इस गल मनण से मजबूर होंगे। चंडीगढ़ के प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि चंडीगढ़ नूं सरकारी भाषा वजो मानता दवाउण दी मंग लंबे समय तो उठती रही है, पर इस ते सरकारां ने गौर नहीं किया। 1966 तो लैके ये मंग उठती रही है, लगातार धरने मुजहरे होंदे रहे, पर कोई गल सिरे लगती नज़र नहीं आई। हर साल इस तरह प्रोटेस्ट होंदा है और डॉक्टर सुरजीत पात्र हुणी भी इस प्रोटेस्ट दे विच, इस संघर्ष दे विच मौजूद ने, अगवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। होर भी वड्डी गिनती दे विच जो पंजाबी मां बोली दे नाल हमदर्दी रखने वाले लोग ने, वो इस संघर्ष दे विच, इस प्रोटेस्ट दे विच मौजूद ने। कोशिश करांगे डॉक्टर सुरजीत पात्र होना दे नाल गलबात करन दी, क्योंकि लंबे समय तो संघर्ष इस चीज़ नू लैके चल रहा है और जो तख्ती भी है हाथ दे विच फड़ी हुई, जो बैनर भी हाथ दे विच, वो भी दिखा दें एक बार। डॉक्टर सुरजीत पात्र जी साडे नाल, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाबी। लंबे समय तो संघर्ष चल रहा है पंजाबी मां बोली नू लैके, किस तरह देखते हो हुण तक सुनवाई ना होना की दर्शाउंदा? देखो, मैं इदा महसूस करदा कि सरकारां ना तो कोई मतलब पत्रकार लिख रहे आ, लेखक लिख रहे आ, अखबारां च छाप रहे आ, बहुत साल धरना हुंदा रहा मटका चौंक च, वो तो बाद भी हुंदा रहा, पर कोई इहो जिहा कदम सरकारां वल्लों ना ही विद्यक अदारियां वल्लों लिया गया, जिहड़ा कि आपां महसूस कर सकीए कि जो असीं चाहुंदे आ। पर मैं ये सब कुछ दी जो जड़ समझदा वो ये कि जब तक साढ़े लोग सचेत नहीं होंगे, जब तक लोग लहर नहीं बनती, जब तक धरनिया ते मापे भी नहीं आते, कि आम तौर पर आप देखते हैं कि जिहड़े उत्थे लिखारी बैठे होंगे धरने ते, लेकिन आप बहुत घट आम लोग देखते हैं। उसका कारण है कि असी लोगों नूं सचेत नहीं कर सके कि मात भाषा का की महत्व है, मात भाषा का की मुल है। सो मैं तीन धिरां मानदा जिहड़ियां किसी भाषा नूं विकसित करन च रोल करदे आ, एक सरकार है, एक विद्यक अदारे आ, जां चार कह सकदे कि सरकार, विद्यक अदारे, लेखक ते लोक, कि ये जे ये चारे जिहड़ियां धिरां ने, जे इहो अपनी अपनी जगह सचेत होणगियां तां ही कोई भाषा तरक्की कर सकदी। सरकारां दी कारगुजारी ते वी सवाल तुसीं खड़े कीते हुण तक ना, उहदा कारण पता की आ, साडियां पोलिटिकल पार्टियां तो सचेत नहीं होईआं, कोई पोलिटिकल पार्टी इस गल नूं लहर बना के नहीं चलदी। किसी पोलिटिकल पार्टी ने काम किया, हुण भी यानी कोई जिहड़ी पोलिटिकल पार्टी आ वो इहनूं एक मुद्दे तौर ते नहीं लै रही। जद तक लोक लहर नहीं बनूगी तद तक सरकार नहीं छोड़ेगी। कि किसी पार्टी का एजेंडा भी होना चाहिए, या जिन्नी भी पंजाब दियां पार्टियां ने उन्हों का तो घट्टो घट, जिन्नी खेतरी पार्टियां ने घट्टो घट उन्हों का तो एजेंडा होना ही चाहिए। हुण साडे लोकां नूं ये चाहिए कि हुण ये आवाज़ उठाउण
कि जो पंजाबी नूं लैके साडियां मंगां ने वो मंगा भी अपने मैनीफेस्टो च शामिल करो। सूबे डॉक्टर साहब देखने आता है कि हर सूबे की अपनी खेतरी भाषा है, पर पंजाबी भाषा के नाल वितकरा क्यों, ये सवाल भी उठता है। फिर देखो पंजाबी ने आप शुरू तो ये महसूस करते हैं कि जिदा किसी वेले पंजाबी सूबा बनाने लिए किन्ना संघर्ष करना पाया, जेलां भरिया गई, किन्ने लोग कैद होए, है ना। पर पंजाबी सूबा बन तो असी साड़ियां अपनियां सरकारां ही पंजाबी लिए कुछ नहीं कर सकियां, कि वह सरकार के जिन्होंने पंजाबी सूबा इन्हें जोर ना लिया सी, वो सरकारां भी इस मुद्दे नूं भुल गईआं। और भुलियां क्यों क्यों भुलियां, मैं समझदा क्योंकि लोग साढ़े सचेत नहीं सी, क्योंकि उन्होंने फर्क पैंदा कि साड़ियां वोटां नूं फर्क पैंदा, उन्होंने वोटां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। सो जब तक असीं इहनूं लोकां दीआं मंगां च नहीं शामिल करा सकते, तद तक इसका कोई हल। ये मानते हो डॉक्टर साहब कि पंजाब ने पंजाबी सूबा संघर्ष का शुरू किया पर पंजाबी सूबा बन के पाया घट है तो गवाया वध है, मानते हो इस चीज़ को? देखो मैं समझदा कि जिहड़ी राजनीति है ना, राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है कि वह उहदे नाल युग बदलदे आ। पर जदों राजनीति दो तरह की है, एक खोटी राजनीति है एक खरी राजनीति है। असी बहुत देर तो खोटी राजनीति दे शिकार हाँ कि साडे हाकमां नूं अपनियां अपने अपने भविख का तो फिक्र रहिंदा, पर लोकां दा भविख, नौजवानों का भविख, भाषावां का भविख, वो आप महसूस करते हैं कि वह उन्हां नूं कदी फिक्र नहीं होंदा। तो इहदा मैं कारण फिर उही समझदा कि इहदा कारण साडे लोकां दी जिहड़ी हैगी ना कि सचेत ना होना। तो जिन्हें हम लोग सचेत हो गए जिहड़ा मुल्कां दे लोग सचेत हो गए उसे सरकारां भी बेहतर आउंदियां। सो पहला कदम यह है कि असी साडे पत्रकार साडे लिखारी जिन्ना वध तों वध असी लोकां नूं सचेत कर सकीए, उन्ना ही सरकारां इस गल तों इस गल नूं मन्नण ते मजबूर होणगे। ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੰਨੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਇੰਨੇ ਅੰਕ, ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆ, ਨਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ कि वह इन्ना ज़्यादा उन्होंने काम किया हो, पर हौली हौली सरकार जड़िया उन्होंने कोई गल उन्होंने कोई तरजीह नहीं रही। हूँ भाषा बाग किस तरह जानी लगभग खत्म होने के किनारे ते है ना। सो इस तरह से बहुत बहुत पद्धर से चलो जिमें पंजाबी से पटियाला से उन्हें बहुत काम किया जानी हले तक भी वह बहुत जो जो प्रकाशन, पर वह भी हूँ आर्थिक अपने मंदी का दुख झेल रही है। वो भी है कि साड़ी तरजीह साड़े लोगों की साड़िया सरकारां दी तरजीह नहीं है। सो इस गल दी जरूर, सो सरकारां दी तरजीह नहीं है, सियासी पार्टियां तरजीह नहीं दे रही इस मुद्दे नूं, इस करके ये हालात ने। सो इसी तरह प्रोटेस्ट हर साल हुंदा और मंग ये की जाती है कि चंडीगढ़ दे विच पंजाबी भाषा नूं पहली ते सरकारी भाषा का दर्जा दिता जाए। पर यह डॉक्टर सुरजीत पात्र हुणी कह रहे हैं कि उदों तक संभव नहीं हो सकता जदों तक सरकार इस चीज़ को लेकर सीरीयस नहीं होएगी और जदों तक पोलीटिकल पार्टियां का यह मैनीफेस्टो दे विच एक पार्ट नहीं बन जाता। पर देखना यह है कि तमाम खेतरी पार्टियां नूं तां घट्टो घट चाहिए सी कि खेतरी पार्टियां इस नूं एजेंडे के रूप में लैंदियां, पर देखना यह है कि कदों तमाम सियासी पार्टियां इस चीज़ को लेकर गंभीर होणगियां ते कदों पंजाबी भाषा नूं लैके जो मंग उठती रही है पंजाबियों की वो पूरी हो पाती है। कैमरा परसन शमशेर के नाल विक्रम सिंह प्रो पंजाब टीवी चंडीगढ़।